हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर छोटे छोटे आइडियाज़ की जो वीडियोस हैं उसे देख सकते हैं। आज हम इस तरीके की शॉर्ट कुर्ती को फिटिंग करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम कुर्ती का मेजरमेंट लेंगे, तो ये है 17 और 17 का डबल हम करेंगे 34। और अब हमारा जो कमर का माप है हम वहाँ पर लेंगे, तो ये है 15 का डबल यानी कि 30 है। फिर हम हमारा ये जो हिप का माप है इस हिप के माप को लेंगे इस तरीके से। ये हिप का माप 17 यानी कि ये भी 34 है। अगर आप कॉटन की कुर्ती इसको फिट कर रहे हैं तो सबसे पहले कुर्ती को एक बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि कॉटन थोड़ा सा श्रिंक होता है वॉश करने के बाद। और अगर आप बिना वॉश किए कुर्ती को फिट कर रहे हैं तो 1/2 इंच लूज रखिए। सबसे पहले हम कुर्ती को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। हमने यहाँ पर अपना मेजरमेंट लिख लिया है, हमें चेस्ट पार्ट 30, कमर 24 और हिप 30 चाहिए। और हमें हमारी जो स्लीव्स है वो 9 इंचेस की चाहिए। तो सबसे पहले हम फिटिंग के लिए हमारे स्लीव्स के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप स्लीव्स को इस तरीके से एकदम प्रॉपर पकड़ कर बराबर के भाग से इस तरीके से आप पकड़ कर रखिए। अभी हमें हमारी स्लीव्स 9 इंचेस की चाहिए, तो 9 का आधा होता है 4.5। तो हम यहाँ पर इस 4.5 इंचेस पर हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे, और इसी तरीके का मार्क हम इस स्लीव्स पर भी करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरफ 4.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम हमारे चेस्ट पार्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो ये 34 है और हमें 30 चाहिए, यानी कि हमें 4 इंच कम करना है। तो 4 इंच को आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, या तो आप मेज़रमेंट पर इस तरीके से पहले 4 को एक बार फिर एक बार डिवाइड कीजिए, तो आपको जो भी आपका मेज़रमेंट होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे हर एक साइड पर 1 इंच फिट करना है, तो हम यहाँ 1 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। फ्रेंड्स याद रखिए, आप 4 इंच फिटिंग करनी है, इस हिसाब से 2 इंच यहाँ और 2 इंच वहाँ फिटिंग नहीं कर न करें, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 इंच फिट करोगे तो 2 और 2 नीचे का भी भाग आपका कुर्ती का यानी कि 4 और इधर से भी 4 इंच यानी कि 8 इंच तक की फिट हो जाएगी कुर्ती। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप यहाँ 1 इंच का मार्क लें, जिससे 1 इंच यहाँ 1 इंच पीछे की साइड से फिट होगी, तो 2 इंच यहाँ और 2 इंच या 4 इंच फिट होगी, जो बराबर है माप हमारा उसके हिसाब से। फिर हम यहाँ पर कमर का माप, ये 30 है और हमें 24 चाहिए, यानी कि हमें 6 इंच कम करनी है। 6 इंच का हम आधा और फिर आधा करेंगे, तो 6 का आधा 3 और 3 का आधा करने पर हमें 1.5 इंच यहाँ पर फिटिंग करनी है। तो हम यहाँ 1.5 इंच और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब बात करते हैं हमारे हिप मेज़रमेंट की। तो हिप मेज़रमेंट 34 है और हमें 30 चाहिए। तो जैसे हमने चेस्ट पार्ट के लिए किया, 4 का पहले आधा 2, 2 का आधा 1, तो हम यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब आपको ये जो आपने स्लीव्स के लिए मेजरमेंट लिया था वहाँ से, और ये चेस्ट पार्ट के मेजरमेंट के मार्किंग को ऐसे राउंड शेप में करना है, को मार्क को मैच करना है। फिर यहाँ से आते हुए आपको इसी तरीके से राउंड शेप देते हुए अपने हिप मार्किंग की तरफ आना है। मीन्स आपकी जो स्टिचिंग होगी वो इस तरीके से कर्व शेप में होगी, यानी कि गोलाई में आपको स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं हमारे दूसरे पार्ट में। याद रखिए, आपने जो मार्किंग किया है उससे आप इस साइड पर नहीं जाए, वरना कुर्ती ज़्यादा फिट हो जाएगी। आपको बराबर उन सब मार्किंग को ऐसे राउंड शेप में करना है। और अब हम इस पर 2-2 स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हमेशा फिटिंग के लिए, चाहे आप कोई भी स्टिचिंग करें, तो आप मैचिंग का ही धागा लें। अब हमने जो मार्किंग की थी यहाँ स्लीव्स के, यहाँ हम इस तरीके से रखेंगे, और सबसे फर्स्ट जो सिलाई होगी उसको आपको लॉक करनी है, ताकि ये सिलाई खुले नहीं इस तरीके से। अब आप इस तरीके से लॉक सिलाई के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाते जाइए। तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से इस कुर्ती पर जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई हमें लास्ट में भी सिलाई को इस तरीके से लॉक कर देना है। फिर
फिर से हम एक और सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। और इस तरीके से लास्ट सिलाई को लॉक कर दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर दो सिलाई लगा दी हैं। इसी तरीके से हम इस पार्ट पर भी सिलाई लगा लेते हैं जो हमारा दूसरी तरफ हमने मार्किंग किया था उस पर। तो फ्रेंड्स हमने ये कुर्ती को दो दो स्टिच करके फिट कर लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से हमें जो स्लीव्स है वो 9 इंचेस की चाहिए थी। तो देखिए 9 इंच के हिसाब ये 4.5 यानी कि बराबर 9 इंच पर आपको फिटिंग बराबर आएंगी आपकी स्लीव्स की। फिर हम देखते हैं हमारा चेस्ट पार्ट। तो देखिए हमें 30 चाहिए था यानी कि 30 चाहिए था और 15 का डबल भी 30 ही होता है। यहाँ भी हमारी परफेक्ट है फिटिंग। फिर हमें यहाँ पर 24 चाहिए था। तो देखिए यहाँ भी ये 12 इंचेस पर प्रॉपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी फिटिंग हमारी बराबर है। और यहाँ पर आपने जो फिटिंग की है वो पार्ट आप इस तरीके से रखें और फिर यहाँ पर देख लीजिए ये भी 15 यानी कि 30 बराबर आ गई। ये कॉटन की कुर्ती है और अभी इसे प्रेस नहीं किए इसलिए थोड़ी सी इस तरीके से दिख रही है। आप कभी भी जब फिट कर लो तो एक बार अपनी कुर्ती को इस्त्री कर लीजिए, आयरन कर लीजिए ताकि ये और अच्छी फिनिशिंग में दिखे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही छोटे छोटे और ईजी आइडियाज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।